धरम नगरी कुरुक्षेत्र की लाइफ लाइन पिपली ज्योतिषर मुख्य मार्ग की बदहाली को लेकर कांग्रेसी आज सड़कों पर उतरे। दिग्गज कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में नए बस अड्डे पर चल रहा है सांकेतिक धरना। अशोक अरोड़ा ने कहा, सड़क बनाना ठेकेदारों के बूते की बात नहीं, इसलिए लोक निर्माण विभाग ये सड़क अब खुद बनाए। बता दें, धरम नगरी कुरुक्षेत्र की लाइफ लाइन पिपली से ज्योतिषर मुख्य मार्ग इस कदर बदहाल है कि उसकी बदहाली को लेकर अब कांग्रेसियों को सड़क पर उतरकर दिग्गज कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की अगुवाई में नए बस अड्डे पर धरना देने की नौबत आ गई है। पहले स्वयं टूटी फूटी सड़क को देखें और उड़ती हुई धूल का अवलोकन करें। अब जाने ये कोई चंद हफ्तों महीनों का दंश नहीं, पिछले 6 सालों से धरम नगरी के लोग इस मुसीबत से जूझ रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक अरोड़ा बताते हैं कि गत 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इसे 4 लेनिंग से 6 लेनिंग बनाने की घोषणा की थी, लेकिन ठेकेदारों व अधिकारियों ने इसे कहीं का भी नहीं रहने दिया। पहले टेंडर दिया, फिर रद्द किया, फिर दोबारा से टेंडर हुआ, अब नए ठेकेदार का भी टेंडर रद्द हो रहा है। धूल मिट्टी उड़ रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 से ऊपर चला गया है। बार बार ठेकेदार इसलिए भाग जाता है कि पहले कमीशन देकर ठेका लिया और बाद में अधिकारी कमीशन मांग रहे हैं, अन्यथा काम में रोड़े अटकाते हैं, जनता परेशान है। अशोक अरोड़ा बोले, सड़क बनाना ठेकेदारों के बूते की बात नहीं, इसलिए लोक निर्माण विभाग इस सड़क को खुद बनाए। जिस जगह पे हम धरने पे बैठे हैं, इस सड़क को आप भी देख रहे हैं, और 7 साल पहले लगभग 15 जून 2015 को मुख्यमंत्री ने इस सड़क जो कि पहले से 4 लाइनिंग थी उसको 6 लाइन बनाने की घोषणा की, और उसके बाद यहाँ से पेड़ काट दिए गए। पेड़ काटने के बाद एक फर्म को टेंडर दिया गया, उसका टेंडर रद्द कर दिया गया, दूसरी फर्म को टेंडर दिया गया और लगातार ये कहा गया कि ये शीघ्र पूरी हो जाएगी, परंतु इस सड़क के ऊपर आप देख रहे होंगे कि मिट्टी कितनी उड़ रही है, धूल कितनी उड़ रही है। हमारा कुरुक्षेत्र शहर एक पवित्र शहर है और यहाँ पर कोई इंडस्ट्री भी नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा वातावरण था, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत हैं, परंतु यहाँ का जो प्रदूषण का एयर लेवल है वो भी वेरी पुअर में चला गया, 342 से ऊपर चला गया इस धूल मिट्टी की वजह से। और परसों जब हमने अखबार में पढ़ा कि इसका दोबारा से टेंडर रद्द कर दिया, मुझे हैरानी होती है कि यहाँ के विधायक विधानसभा में मुख्यमंत्री से कहते हैं कि टेंडर रद्द कर दो। विधानसभा में आवाज़ तो उठनी चाहिए कि सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा किया जाए, परंतु आवाज उठती है टेंडर रद्द कर दिया जाए। और आज उस ठेकेदार ने इन पर आरोप लगाया है कि मेरे से कमीशन मांगी गई, इससे ज्यादा दुखदायी बात नहीं हो सकती कि एक पहले तो कमीशन मांगी जाती है, और हमें तो पता लगा है कि उस ठेकेदार ने जब टेंडर लिया, पहले ही सरकार के बने जो मंत्री बैठे हैं उनको कमीशन दे के लिया, और ऊपर से और कमीशन मांगेंगे तो ठेकेदार तो भाजे गए। तो आज हमारी मांग सरकार से है, जिला प्रशासन से है, कि ठेकेदार फिर कोई भाग जाएगा, ठेकेदार का कब टेंडर होगा? 4 दिन का तो कह रहे गए जिसकी निकालेंगे उसकी, फिर उसकी उसको टाइम देंगे, फिर उसका वर्क लाट होगा। तो ये शहर के लोग जो यहाँ पर लगातार पिछले 6-6.5 साल से संताप भुगत रहे हैं, लगातार कई एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो चुकी है, दुकानदारों का बिजनेस ठप हो चुका है, और जो इसका लेवल नाले का जो अधूरा बना हुआ है वो आप देखेंगे कहीं से ऊपर कहीं से नीचे कर दिया गया। जहाँ सत्ताधारी से जुड़े लोग बैठे हैं उसको नीचा कर देते हैं, बाकी ऊपर कर देते हैं। और एक बरसात आई थी पिछले दिनों, सारी कॉलोनियां जो इसके साथ लगती हैं और सारे बाजार जो इसके साथ लगते हैं उनमें पानी पड़ गया था। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि PWD महकमे के पास जेई से लेकर चीफ इंजीनियर तक बहुत बड़ा हमला होता है, आप सरकार उससे शीघ्र आज इसको शुरू कराए, इसके लिए आज हम धरने पर बैठे। खबर नामा हरियाणा के लिए प्रजन्य शर्मा और डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।